सभी को नमस्ते। मैं अनिमा भट्टाचार्य जी देवलीना भट्टाचार्य जी का मम्मी हूँ। कल मैंने जो एपिसोड देखा है देवलीना भट्टाचार्य जी लास्ट में प्रोमो में आया है, बहुत गुस्सा से। बहुत गुस्सा क्या है, लेकिन गुस्सा का कारण क्या है ये अच्छा से नहीं मालूम पड़ा मुझे। अभी भी आज का एपिसोड में जरूर मिलेगा। लेकिन आरसी को मैं देख रही हूँ, आरसी सभी समय में देवलीना को गुस्सा आने के लिए भड़काया भड़का भड़काते हैं, इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। और देवलीना के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, मोइना तुम इतना रोना धोना मत कर। भगवान हमेशा हम लोगों को पृथ्वी पे नहीं भेजा है, हम लोग को भी जाना है एक दिन भगवान का घर। इसीलिए अपना भाई को लेकर, अपना पापा को लेकर के मत रोया कर, बहुत असर पड़ता है मुझे। मैं भी रो लेती हूँ, इसीलिए ऐसा मत करना बेटी। अच्छा से खेलना, हाँ अच्छा से खेलना। तुम अभी भी बहुत अच्छा खेल रहे हो और आगे भी बढ़ सकोगे तुम। और ऐसे भी तुम प्रॉक्सी प्रॉक्सी में आई हो, इजाज़ खान भी तो आ जाएगा ना, इसीलिए इजाज़ खान को बचाना चाहिए हम लोगों को। तुमने बचाना पड़ेगा इजाज़ खान को खेलने के लिए। इसीलिए कोई लोग ऐसा भी हो सकता है, इजाज़ खान नहीं आए घर में, तो तुम्हें नॉमिनेट करके इजाज़ खान को भी नॉमिनेट हो जाएगा। इसीलिए बोल रही हूँ बेटी, बहुत दिमाग लेकर के खेलना, अच्छा से खेलना, आगे बढ़ना। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजता है, दो हाथ ऐसे ऐसे करने से ताली बजता है। इसीलिए मैं आप लोग सभी को कहती हूँ, देवलीना को ज़्यादा भड़काए मत, बातें करे, खेलिए, प्यार से खेलिए, आगे खुद अपना अपना खेल खेल के आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। मैं वो अनुरोध करती हूँ आप लोगों से, देवलीना को ज़्यादा भड़काए मत, उनको गुस्सा मत दिलाए। वो ऐसी लड़की नहीं है, बहुत शांत स्वभाव की लड़की है। मैं पहली बार एक बार कह चुकी थी जो वो पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते हैं, ये आज का नहीं है, ये दिखावा नहीं है, बचपन से। और बहुत शांत है, बहुत बैठ था, अबैठ कभी नहीं थी। इसीलिए मैं आप लोग को ये बोलती हूँ, देवलीना को शांत स्वभाव से खेलना दीजिए। आप लोगों ने आप लोगों को खेलिए, उनको भी खेलने दीजिए। और जब देवलीना आगे बढ़े, जीत जाए, मैं ये चाहती हूँ। और भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ, देवलीना का मन में शांत शांत दीजिए, भगवान शांत कर दीजिए। और जितना दुख है अंतर में, मन में जितना दुख है, ये दुख कम हो जाए। और बेटी मुझे चाहिए क्या तुम्हारे पास वहाँ? तुम बिग बॉस से पूछो, मुझे आना चाहिए तो मैं आ जाऊंगी तुम्हारे लिए। यहाँ मेरा बहुत प्रॉब्लम है, तब भी मैं आने का कोशिश करूंगी। और क्या कहूँ, कहने के लिए मेरा और कुछ नहीं। आप लोग खेलिए, आगे बढ़िए। बार बार कहती हूँ मैं ये बातें देवोलीना को, और ज़्यादा मत भड़काए, अच्छा से खेलना। नमस्ते।